जय श्री राम मित्रों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसा उपाय जो आपको करने मात्र से दोस्तों आपके जीवन के अंदर धन धान्य की प्राप्ति करवाता है, और साथ ही साथ आपके जीवन के अंदर अगर कोई समस्याएं हैं तो दोस्तों उसे दूर करने का कार्य करता है, और इसका विशेष महत्व रहता है। जिसका दोस्तों कारण होता है कि भोलेनाथ साधारण तौर से ही भक्तों के ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं, तो कभी कभी दोस्तों लाखों जतन करने के बाद भी भोलेनाथ की ऐसी कृपा देखने को नहीं मिलती है। दोस्तों, सावन का सोमवार, दोस्तों पूरे भक्तों को साल भर सावन के सोमवार का इंतजार रहता है, क्योंकि दोस्तों इन दिनों के दौरान तांत्रिक क्रियाएं जो भी की जाती है उसका कई गुना फायदा प्राप्त होता है, और साथ ही साथ दोस्तों भोलेनाथ उन भक्तों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि सावन सोमवार की रात आप अपने घर के अंदर चुपचाप रख दीजिए एक रुपये का या पाँच रुपये का सिक्का। इस प्रकार आपके जीवन भर आपके घर के अंदर दरिद्रता नहीं आएगी, दरिद्रता आपके घर का रास्ता भूल जाती है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, कमेंट के अंदर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, अब बात करते हैं उपाय की। दोस्तों, सावन के सोमवार के दिन आप क्या करें कि संख्या में गिनकर आप पाँच रुपये, एक रुपये या दस रुपये, कैसे भी आप सिक्के ले लें जो कि संख्या के अंदर 11 होने चाहिए। दोस्तों, उनको लेने के तत्पश्चात आप क्या करें, सावन के सोमवार को आप किसी भी शिव मंदिर के अंदर जाएं, और शिव मंदिर के अंदर जाने के बाद जब भगवान शिव को जिस लोटे के अंदर जल चढ़ाते हैं उस लोटे के अंदर आपको जल डाल देना चाहिए, जल के अंदर आपको वह सिक्के डाल देने चाहिए। उसके बाद दोस्तों क्या करें, उन सिक्कों के अंदर पानी डालें और उसके बाद भोलेनाथ को अभिषेक करें। लेकिन दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें, जो सिक्के हैं वह शिवलिंग के ऊपर नहीं गिरने चाहिए बल्कि वह लोटे के अंदर ही रहने चाहिए, और ऐसा करते हुए आपको 7 बार जल अर्पित करना है, और 7वीं बार आपको ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मन ही मन जाप करते रहना है। और दोस्तों, उसके बाद उन सिक्कों को आप अपने घर के अंदर लेकर आ जाएं, और दोस्तों सावन सोमवार की रात को क्या करना है, उन सिक्कों को अपने घर के अंदर कुछ गुप्त स्थानों पर रखना है ताकि वह आपके जीवन के अंदर फायदा प्राप्त करवाए। जैसे कि दोस्तों, पहला सिक्का आपको अपने घर के पूजा घर के अंदर रखना है, और पूजा घर के अंदर रखने के बाद भोलेनाथ से अपने जीवन के अंदर धन प्राप्ति की मनोकामना मांगनी है, और आपके घर के अंदर भी धन प्राप्ति की मनोकामना मांगनी है, ऐसा कीजिए। और उसके बाद दूसरा सिक्का दोस्तों आप अपने घर के अंदर सकारात्मकता और धन को आगमन करवाने के लिए अपने घर के मुख्य द्वार के ऊपर रखें ताकि लक्ष्मी इससे प्रभावित होगी और आपके घर के अंदर उनका प्रवेश निश्चित तौर पर होता है, तो आप इसे अपने घर के मुख्य द्वार के ऊपर रखें। तीसरा सिक्का दोस्तों आपको अपने घर की अलमारी के अंदर रखना है, जिससे धन आकर्षण की शक्ति बढ़ती है, धन चुंबक की भांति आपकी अलमारी की तरफ बढ़ता है, और आपके जीवन के अंदर धन धान्य की कभी भी कमी नहीं होती है, इसी वजह से इसे अलमारी के अंदर रखा जाता है। चौथा सिक्का दोस्तों साक्षात अन्नपूर्णा देवी, जिन्होंने भोलेनाथ को भी दान दक्षिणा के अंदर अनाज दिया था, और अगर आप अपने घर की रसोई घर के अंदर वह सिक्का रखते हैं तो दोस्तों भोलेनाथ को अभिमंत्रित किया गया सिक्का आपके जीवन के अंदर धन धान्य की कमी नहीं होने देता, और आपके जीवन के अंदर अपने आप ही क्षेत्र बढ़ाता जाता है, आपको मालामाल करने का कार्य करता जाता है। तब आप क्या करें, इसे आप अपने घर की रसोई घर के अंदर रख दें। दोस्तों, अगला सिक्का आप अपने घर के शयन कक्ष के अंदर, दोस्तों क्योंकि हम सबसे ज़्यादा समय अगर देखा जाए अपने घर के अंदर तो अपने शयन कक्ष के अंदर बिताते हैं, एक बिस्तर पर सोते हुए बिताते, वहां पर हमारा मन एकाग्र रहता है, तो दोस्तों हमारा कोई भी बाल बांका नहीं कर पाता और हमें हमारे कार्यों के अंदर सफलता निश्चित तौर पर प्राप्त होती है। तब आप क्या करें, उस एक रुपए के आप जस्ट जो भी सिक्का लिया उसे आप रात को सोते समय, अगर आप दो पति पत्नी सोते हैं तो दोनों के तकिए के नीचे आपको वह सिक्का रखकर सो जाना चाहिए, और दोस्तों ऐसा करने के बाद बाकी जो सिक्के रहते हैं उन सिक्कों को दोस्तों आप देख लें अपने घर के हिसाब से कि कहां पर आपको उचित लगता है और वहां पर आपको इन सिक्कों को रख देना चाहिए। और दोस्तों उसके बाद सावन के सोमवार को आपको अच्छी नींद लेनी चाहिए, और अब दोस्तों सावन अंतिम दिनों के अंदर है तो प्रत्येक सावन के जब तक सावन समाप्त न हो जाए रक्षाबंधन तक, तब तक आप उन सिक्कों को वहीं पर पड़े रहने दें। लेकिन दोस्तों इस बात का ध्यान जरूर रखें, बाहरी किसी भी व्यक्ति की नज़र उन सिक्कों के ऊपर नहीं पड़नी चाहिए, और इन सिक्कों को एक बार रखने के बाद आपको और आपके परिवार के सदस्य हो या बच्चों हो किसी को भी स्पर्श नहीं करना है।
जब सावन का महीना समाप्त हो जाए, सावन आखिरी दिनों के अंदर हो, तो उसके बाद भाद्र पर लग जाए, तब आप उन सिक्कों को अपने घर के अंदर जहां भी आपने रखा है वहां से आपको वापस निकाल देना चाहिए। उसके बाद एक दीपक जलाएं और दोस्तों दीपक के ऊपर से उन सिक्कों 11 सिक्कों को 7 बार ओसाड़ लें। ओसाड़ते समय ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करें। दोस्तों जो भी नकारात्मकता होती है वह इन सिक्कों के अंदर सोख ली जाती है। कोई आपकी किस्मत के अंदर दोष होता है तो वह इनके द्वारा दूर किया जा सकता है। अगर आपका कुछ कहना नहीं मानता है तो आपको समाज में मान सम्मान यश कीर्ति अपने आप ही बढ़ जाती है। ऐसा करने के तत्पश्चात आप क्या करें, उन सिक्कों को लें और सिक्कों को लेने के बाद आप जितना ज़्यादा हो सके आप इन सिक्कों से खाने की जो वस्तुएं खरीद सकते हैं, चाहे आप 11 रुपए की हो, चाहे आप 5 रुपए के हिसाब से लो तो 60 रुपए की हो, या 10 रुपए के सिक्के लिए तो 110 रुपए की हो, आप इनसे अलावा आपको एक भी रुपया इसके अंदर नहीं मिलाना है। बस आप इन सिक्कों की कोई भी खाने की सामग्री खरीदें, चाहे कम आए या ज़्यादा आए, बस आपको इनकी सामग्री खरीदना है। और दोस्तों जितना ज़्यादा हो सके आप गरीबों के मध्य या किसी गोमाता के गौशाला के अंदर या फिर नंदी महाराज को इन सिक्कों से चिड़ी चीज खिला कर खरीद कर खिला दें। लेकिन दोस्तों ध्यान रखें, जब आप किसी अन्य को खिलाने वाले हैं तब छोटे बच्चे हो, जितना ज़्यादा छोटी कन्या हो, छोटे बच्चे हैं उनको खिलाएं, लेकिन आपकी मनोकामना पूरी होने के बाद। और दोस्तों निश्चित तौर पर आपकी मनोकामना पूरी होगी और आपके जीवन के अंदर कार्य बन जाएंगे। और दोस्तों जब आपको लगे कि इन सिक्कों का उपाय का फायदा आपको देखने को मिला है, जो मनोवांछित इच्छा जो मनोकामना आपने मांगी है वह आपकी पूरी हो गई है, तो दोस्तों आप किसी भी सोमवार का चयन करें और सोमवार के दिन आपके आसपास कोई भी शिवालय है वहां पर जाकर आप रुद्र अभिषेक करें, भगवान भोलेनाथ का धूप दीप जलाकर पूजा पाठ करें, उन्हें आप दही हो, शहद हो, दूध हो, या जो भी आपकी राशि के अनुरूप सटीक बैठता है वो आप किसी ज्योतिषी से पूछवाएं, और उसके बाद भोलेनाथ के मंदिर के अंदर जाकर रुद्र का अभिषेक जरूर करें, क्योंकि दोस्तों साक्षात इन सिक्कों के उपाय से आपकी वो मनोकामना पूरी हो जाती है और आपको आपकी मनोकामनाओं के अंदर फायदा निश्चित तौर पर मिल जाता है। इसी वजह से इनका प्रभाव कहीं गुना आपको देखने को मिल जाता है और आपको बढ़ जाता है। लेकिन दोस्तों इस उपाय को करते समय आप ध्यान दें, जितने दिन आपने ये उपाय किया उस समय एक तो आपको किसी भी प्रकार का कोई गलत कार्य करने से बचना चाहिए, मांसाहार का सेवन उस समय आप अपने घर के अंदर नहीं करें, बिना नहाए धोए आप इन सिक्कों को स्पर्श नहीं करें, और साथ ही साथ आप इस बात का भी ध्यान रखें कि पत्नी पत्नी जितना ज़्यादा हो सके इस समय के दौरान भक्ति के अंदर मन लगाएं, तो वह आपके कार्य निश्चित तौर पर बनते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी देखने के लिए दोस्तों सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद मित्रों, जय श्री राम मित्रों।